ये लोग कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं पर डे 5 लाख से 10 लाख स्टोरीज़ देखने के लिए। एक जो वेबसाइट इन लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है हे गाइस प्रथम ईयर वेलकम टू दी सोशल बीइंग। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बड़े अकाउंट्स या फिर ब्लू टिक वाले अकाउंट्स हमारी स्टोरीज़ क्यों देखते हैं एंड कैसे देखते हैं और उन लोग किस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं या फिर किस वेबसाइट का यूज़ करते हैं टू वॉच दिस मैनी स्टोरीज़। एंड उनमें से एक वेबसाइट को मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि उन लोग कैसे यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। आई क्रिएट वीडियोज़ रिलेटेड टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ। और मेरा एक और चैनल है अबाउट मेन्स फैशन एंड लाइफस्टाइल, तो अगर उसको अभी तक देखा नहीं है तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, जाके इस वीडियो के बाद देख लेना एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात कर लेते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। नॉर्मली इंस्टाग्राम में लोगों के 600 टू 1000 के बीच में फॉलोअर्स होते हैं एंड इनकी स्टोरीज़ के व्यूज़ 150 से 200 के बीच में जा रहे होते हैं। तो अगर आपकी स्टोरी को कोई भी अलग सा बंदा देखता है तो हम उसे ज़रूर नोटिस कर लेते हैं। एंड अगर उसके में ब्लू टिक है तो भाई वो तो अलग से दिखाई दे रहा होता है। तो अगर इन लोग हमारी स्टोरी या फिर पोल या फिर आस्क मी अ क्वेश्चन में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनकी प्रोफाइल में विज़िट करते हैं एंड हम लोग कई बार इनको फॉलो कर देते हैं। और बहुत लोगों को तो मैंने देखा कि आस्क मी अ क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, बढ़िया से उनको टैग करेंगे हाय हेलो लिख के, तो एक तरीके से तुम इनको फ्री का शाउट आउट दे रहे हो जबकि इन्होंने तुम्हारी स्टोरी खुद देखी ही नहीं है। इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कोई बंदा आपकी स्टोरी देखता है या फिर आपके पोल या फिर आस्क मी अ क्वेश्चन में रिएक्ट करता है तो प्लीज़ उसको फॉलो मत करो या फिर उसको स्टोरी में मेंशन मत करो, क्योंकि वो खुद देख ही नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ बॉट्स का कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो एक साइट है विथ नेम masslooking.cloud, यहाँ पे आ रहा होगा, देखो ये साइट है, इसका नाम है masslooking.cloud। ऐसे तो हैं बहुत सारी बट मुझे यही मिली तो मैं ये दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वोट एंड व्यू अप टू 50,000 स्टोरीज डेली and grow for thousands of visits and new followers via hypervote and mass story being Instagram algorithm। यहाँ पर start now लिखा हुआ है। तो ऐसी sites को उन लोग use करते हैं to watch your stories जो वो खुद नहीं देखते हैं। क्या लिखा 50,000 stories, it's not possible कि एक इंसान खुद देख सके इतनी stories per day। ठीक है, ये steps लिखे हुए हैं कैसे करना है and ये paid sites होती हैं। देखो इसमें नीचे price लिखा हुआ है, अर्ली बर्ड रेगुलर और होल सेल में ये प्राइस लिखा हुआ है एंड वो करने का। मैं एक बार आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं यूज़ करके। तो ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है, अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो। देखो ये लॉगिन और साइन अप का आ गया, तो मेरा तो अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप कर लूँगा। मैं जल्दी से डिटेल्स फिल करके साइन अप कर देता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है अपने दूसरे अकाउंट से, लॉगिन हो गया है। और ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, प्लीज़ ऐड योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। प्लस ये एक वीडियो है यूट्यूब की जिसमें उन्होंने सब मैनुअल बताया है कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे करना। लाइक ऐड अकाउंट मैंने किया, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं अपना मेन आईडी का तो नहीं डालूँगा बट मैं अपने सेकंड अकाउंट का डाल सकता हूँ, सेकंड अकाउंट का डाल देता हूँ मैं। तो ये मैंने अपना सेकेंड अकाउंट इसमें डाल दिया है। ये यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई और इंस्टाग्राम अकाउंट फ़ोन और जीमेल से, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा उसके बाद ही कुछ मुझे करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, सेंड कोड, फिर देखते हैं क्या होता है वेरीफाई करने के बाद। कोड 531496 कंफर्म। तो ये मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप पे कर सकते हो। ये स्टैटिस्टिक्स में आपकी डिटेल बताएगी कि कितनी स्टोरीज उन्होंने देखी। ये ऐड सोर्स लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐड सोर्स में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि ये रैंडम स्टोरीज नहीं देखता है लोगों की। आप इसमें प्रॉपर टारगेट कर सकते हो कि आपको किन की स्टोरी देखनी है। लाइक अगर आपका फैशन से रिलेटेड अकाउंट है
तो आप फैशन से रिलेटेड जितने भी यूट्यूबर्स या फिर ब्लॉगर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। लाइक जैसे मेरा है तो मैंने ये बाइसेप्स लिखा जैसे यहाँ पे एंड सर्च किया तो बियर बाइसेप्स के नेम से जितना अकाउंट है ये फर्स्ट पे आ गया रणवीर अलाहाबादिया। मगर इन पर क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा तो ये होगा कि जो लोग बियर बाइसेप्स को फॉलो करते हैं ये सिर्फ उनकी स्टोरी देखेगा। इससे ये होगा कि ये लोग टारगेट करते हैं, लाइक अगर इनका पेज फैशन से रिलेटेड है तो फैशन के इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, अगर इनका पेज फिटनेस रिलेटेड है तो इन लोग फिटनेस के इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको टारगेट करते हैं। तो यहाँ से इन लोग ऐसे टारगेट करते हैं। ये मैं आप लोग को बस यूज़ करके दिखा रहा था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट यूज़ दीज वेबसाइट्स या फिर ऐसे बॉट्स ऑटोमेशंस को ऐसे यूज़ मत करना। इंस्टाग्राम इन्हें ट्रैक कर रहा है एंड अगर इंस्टाग्राम आपकी आईडी को ट्रैक कर लेता है तो वो आपके अकाउंट को डायरेक्ट डिलीट कर देगा। आपकी जितनी भी मेहनत होगी अभी की या फिर आपने एक साल दो साल जितनी भी मेहनत की है वो सब ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ यूज़ करके दिखा रहा था, देखो मैंने अपने मेन अकाउंट में नहीं यूज़ किया है इसको। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर इस वीडियो से अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। एक बार इंस्टाग्राम भी जाके चेक कर लो, ये है मेरा पेज दिशान गॉड के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टाटा पीस।